एक तरफ जहां इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब इन दो युद्धों के बीच दुनिया में एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया ने रूस का पूरा पूरा साथ दिया है। यहाँ तक कि रूस को भारी संख्या में गोला बारूद भी उत्तर कोरिया से भेजे गए हैं। और इस सबके बीच उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को डर सता रहा है कि जिस तरह से हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था, उसी स्टाइल में उत्तर कोरिया कहीं उस पर भी हमला न कर दे। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मिले थे और इस मीटिंग के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ये बात कही है। उनसे पहले पिछले महीने दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी ये कहा था कि अगर उत्तर कोरिया उनके ऊपर हमला करेगा तो वो हमला हमास के स्टाइल में हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा की तरह ही उत्तर कोरिया डिमिलिटराइज जोन के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क बना सकता है जिसमें वो हथियारों को इकट्ठा कर सकता है और इन हथियारों का इस्तेमाल संभावित हमले के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि 13 साल पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच झड़प हुई थी जिसमें दक्षिण कोरिया के 2 मरीन और 2 आम नागरिकों की जान चली गई थी। और रक्षा जानकारों का कहना है कि तब से लेकर अब तक उत्तर कोरिया की रणनीति काफी एडवांस हो चुकी है और वो हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से अगर युद्ध होता है तो उत्तर कोरिया सीधे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को तबाह कर सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी तक वार करने वाली हजारों मिसाइलें हैं और हालिया दिनों में उत्तर कोरिया ने अपने हवाई हमलों की क्षमता काफी बढ़ाई है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी बनाई हैं, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया पर हमला करना होगा तो वो हमास के गोरिल्ला स्टाइल में हमला करने के बजाय सीधे मिसाइल दागेगा।